हेलो एवरीवन। तो ये एक प्रेजेंटेशन मैं बना रहा हूँ जो कि अभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है बैचलर डिग्री का सी एस वी टी यू के अंडर फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी पे ये लेक्चर है। तो ऑनलाइन मोड से ये एग्ज़ाम होना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को एक एक करके समझाता हूँ मैं। तो देख प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर का होने वाला है तो उससे पहले एक मॉक टेस्ट होगा और ये जो मॉक टेस्ट होगा वो छात्रों को परीक्षा की प्रक्रिया को समझाने हेतु मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी ने ये मॉक टेस्ट का जो अरेंजमेंट किया है कि मॉक टेस्ट पहले होगा एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले। तो ये मॉक टेस्ट जो है वो एक तरह का रिहर्सल है, जो फाइनल एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसका एक रिहर्सल है। और ये इसलिए आयोजन किया जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे जो प्रोसेस हैं उसको अच्छी तरीके से समझ लें ताकि मेन एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसी लिए ये किया जाता है। अब मॉक टेस्ट में करना क्या है वो देख लेते हैं। छात्र द्वारा दिए गए प्रारूप को पूर्ण रूप से भरकर, मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक फ्रंट पेज का एक फॉर्मेट दिया जाएगा जो कि सी एस वी टी यू ही दे रही है, यूनिवर्सिटी दे रही है, जो कि हर कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देंगे तो आप लोगों को भी दे दिया जाएगा। तो वो जो फर्स्ट फर्स्ट पेज है उसको अच्छे से फिल करना है। उसमें आप लोग का डिटेल है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, ये सारा डिटेल रहता है, वो फिल करना है। फिर दूसरा जो पेज होगा उसमें क्या होगा, प्रवेश पत्र के साथ सेल्फी, ये दूसरा पृष्ठ होगा। मतलब जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसके साथ आपका फ़ोटो रहना चाहिए, मतलब ये आपका फेस भी आएगा और नीचे आपका एडमिट कार्ड भी दिखना चाहिए। तो ये दोनों ही फ़ोटो लेकर उसको स्कैन करना है। तो ये हो गया दूसरा पेज। पहला पेज जो आपको एक फॉर्मेट दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देंगे तो वो फॉर्मेट फिल करके उसको स्कैन करना है, वो पहला पेज हो गया। दूसरा पेज हो गया फ़ोटो विथ एडमिट कार्ड, ये दूसरा पेज हो गया। जो थर्ड पेज से लेके जो होंगे शेष 40 पेज में कुछ लिखना अनिवार्य नहीं है, दिस इज़ ओनली फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो 40 पेज होंगे वो 40 पेज में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक रिहर्सल के लिए होता है। तो उसमें आप कुछ लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो ना लिखें। वो 40 पेजेस को आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं, उसको स्कैन कर लेना है। तो टोटल कितने पेज हो गए, फर्स्ट पेज हो गया आपका जो फॉर्मेट है स्टूडेंट फॉर्मेट वो, सेकेंड पेज क्या हो गया स्टूडेंट विथ एडमिट कार्ड उसका फ़ोटो सेल्फी वो हो गया, और थर्ड पेज से लेके 40, जो टोटल 40 पेज हैं वो 40 पेज का स्कैन। तो ये 40 पेज प्लस ये 2 पेज पहला और दूसरा, टोटल 42 पेजेस स्कैन होने चाहिए। और उसका सीक्वेंस भी ऐसा ही होगा, जो फ्रंट पेज है वो पहले पे रहेगा, सेकंड नंबर पे जो सेल्फी वाला पेज है विथ एडमिट कार्ड वो रहेगा, और थर्ड से लेके 42 तक जो है वो 40 ब्लैंक पेजेस रहेंगे। ये जो ब्लैंक पेज है ये फिर सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए ही है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम में तो आप लिखोगे आंसर, ठीक है, मॉक टेस्ट में आपको ब्लैंक छोड़ देना है। एक चीज़ ध्यान देना है कि नंबरिंग आपको करना है, तो नीचे की तरफ राइट साइड में 1 से लेके 40 तक नंबरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से लेके 40 नंबरिंग दिखना चाहिए और वो सभी को स्कैन करना है, और सब कुछ स्कैन करके फिर मर्ज कीजिए और टोटल 42 पेज का PDF बनाकर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू कॉलेज में सबमिट करेंगे। ये उस दिन के लिए है जिस दिन मॉक टेस्ट होना है, ठीक है। जिस दिन मॉक टेस्ट होगा उस दिन ये 42 पेज का PDF बनाना है और आपको अपने टीचर को सेंड कर देना है, ठीक है। महाविद्यालयों को सभी ब्रांच हेतु एक ही कॉमन प्रश्न पत्र परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व प्रदान की जाएगी। मतलब
कि कॉलेज को यूनिवर्सिटी एक कॉमन क्वेश्चन पेपर देगी मॉक टेस्ट के लिए, वो हर ब्रांच का कॉमन होगा। तो वो कॉमन इसलिए क्योंकि वो रिहर्सल के लिए, आपको कुछ लिखना तो है नहीं, तो वो एक 30 मिनट पहले, मतलब 10 बजे एग्ज़ाम होना है तो 9:30 तक वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को देगी, और 10 बजे कॉलेज जो है वो स्टूडेंट को देंगे। तो वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या ईमेल के थ्रू कैसे भी वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वो मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन मीन्स पेपर दिया जाएगा, तो उसमें सब्जेक्ट कोड या जो सब्जेक्ट है वो सब आप फ्रंट पेज में वो डिटेल फिल करना होगा, तो उसके लिए वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। महाविद्यालय सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन कर लिया गया है। इसका मतलब अटेंडेंस है, मतलब कि जैसे एग्ज़ाम आपका 10 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो 10:30 बजे तक स्टूडेंट्स अपना अटेंडेंस कॉलेज को दे दे कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रेजेंट हैं। अब ये जो अटेंडेंस है, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज के थ्रू अटेंडेंस दे सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस आप दे सकते हो। अगर गूगल फॉर्म के थ्रू होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जो आप लोगों का बनाया गया होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजा जाएगा, और उस लिंक को फिल करके आपको 9:30 तक भेज देना है, ताकि इससे ये हो जाए कि हाँ, ये स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रेजेंट है। तो 9:30 तक प्रेजेंट ही देना एकदम कंपलसरी है आपको, नहीं तो एब्सेंट कहलाओगे आप, ठीक है। छात्र PDF बनाकर महाविद्यालय को परीक्षा कोऑर्डिनेटर के माध्यम से जमा करेंगे, मतलब स्टूडेंट वो 42 पेज का PDF बनाएंगे, और PDF बनाकर जो टीचर जो भी इंचार्ज हैं उनको आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ठीक है। तो ये जो मीन्स इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए है, ठीक है। जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए इंस्ट्रक्शंस मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो मॉक टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है एकदम क्लियर है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। पहला तो फ्रंट पेज फिल करना है, फ्रंट पेज में डिटेल आपका रहेगा, और जो क्वेश्चन पेपर है उसके सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, तो क्वेश्चन पेपर आपको मॉक टेस्ट का दिया जाएगा, तो उसमें जो भी रहेगा डिटेल वो आप फ्रंट पेज में फिल करेंगे। दूसरा आपका सेल्फी वाला पेज विथ एडमिट कार्ड, वो रहेगा, और थर्ड नंबर से लेके 42 नंबर तक ब्लैंक पेज रहेंगे विथ नंबरिंग, नंबरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो उन सबको स्कैन कीजिए, सबको मर्ज कीजिए, और एक सिंगल PDF बनाइए 42 पेज का, और उसको फिर सेंड करना है आपको, ठीक है। टाइमिंग वगैरह आपको दिया जाएगा डिटेल टीचर्स के थ्रू, तो वो इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा। अब फाइनल जो एग्ज़ाम होना है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोग के लिए हैं वो देख लेते हैं, और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके रिजल्ट में फ़र्क पड़ेगा। पहला इंस्ट्रक्शन है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व छात्र अपने उपस्थिति की सूचना अपने विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से देवे, मतलब वही अटेंडेंस कि 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, तो 9:30 तक या तो गूगल फॉर्म के थ्रू या तो मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अटेंडेंस दे देना है, जैसा भी इंस्ट्रक्शन टीचर ने आपको स्टूडेंट को दिया हुआ है, तो वो अटेंडेंस 9:30 तक आपको दे देना है, ठीक है। ये बहुत कंपलसरी है। उसके बाद परीक्षा के दिन प्रातः काल 10 बजे प्रश्न पत्र विभागाध्यक्ष के ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से छात्रों को सेंड किया जाएगा, मतलब 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज जो होगा, कॉलेज के जो भी एग्ज़ाम के इंचार्ज होंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जैसा भी मोड है उसके थ्रू, जनरली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भेजा जाता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू क्वेश्चन पेपर 10 बजे स्टूडेंट्स को दे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। छात्रों के द्वारा स्कैन किए गए उत्तर पुस्तिका का PDF को संबंधित विभागाध्यक्ष के ईमेल, व्हाट्सएप में भेजा जाएगा, वो बाद में आप एग्ज़ाम लिखकर PDF भेजोगे, और वो कैसे कैसे होगा वो देखते हैं। एक परीक्षा के लिए 10 MB का हाई स्पीड बैंडविड्थ आवश्यक है,
तो जैसे आप एग्ज़ाम दोगे, फिर वो पीडीएफ बनाओगे, पीडीएफ फिर सेंड करोगे, तो उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए और थोड़ा अच्छे स्पीड का होना चाहिए। तो ये आप अरेंजमेंट कर लेंगे एग्ज़ाम वाले दिन कि आपके पास इंटरनेट हो और थोड़े अच्छे स्पीड का इंटरनेट हो, ताकि आप ये पीडीएफ सेंड कर सको। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर पुस्तिका को निम्नलिखित एप्लीकेशन के द्वारा स्कैन किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं पीडीएफ स्कैनर के। तो इस तरीके से आप स्कैन कर सकते हो, या तो जीनियस स्कैन है, पीडीएफ स्कैनर, क्लियर स्कैन, डॉक्यूमेंट स्कैनर, और भी दूसरे बहुत सारे स्कैनर हैं, उससे आप कर सकते हो। इन सब में थोड़ा अच्छे से होता है। तो स्कैन करने के लिए ये सारे एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले से इंस्टॉल करके मोबाइल में रख लेना है आप लोगों को। ठीक, पीडीएफ का साइज़ अधिकतम 20 MB होना चाहिए। तो जो पीडीएफ बनेगा 42 पेजेस का, वो पीडीएफ का साइज़ कितना होना चाहिए? 20 MB। 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान में देना है कि जो 42 पेज का पीडीएफ आप बनाओगे एग्ज़ाम होने के बाद और जो सेंड करोगे टीचर को, वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ का नामकरण, जो पीडीएफ होगा तो पीडीएफ में उसका नाम होगा कुछ पीडीएफ का, तो नाम भी हर स्टूडेंट का अलग-अलग नेमिंग होगा। तो जो पीडीएफ बनेगा उसको रीनेम करके आप नाम क्या रखोगे? आपका विषय कोड, मतलब आपका सब्जेक्ट कोड। जिस दिन जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, उस सब्जेक्ट के लिए एक सब्जेक्ट कोड होता है जो कि क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट कोड आप लिखेंगे, फिर अंडरस्कोर। ठीक है, डैश नहीं है, ये अंडरस्कोर है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड, फिर अंडरस्कोर, फिर आपका रोल नंबर। तो जो 12 डिजिट का रोल नंबर आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू दिया गया है हर स्टूडेंट को, तो उसके बाद रोल नंबर। तो पीडीएफ जो बनेगा उसका नेमिंग आपको कर लेना है रीनेम करके। तो आपको इस तरीके से, जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हो गया सब्जेक्ट कोड पूरा। ठीक है, ये 6 डिजिट, उसके बाद ब्रैकेट में वो कुछ 2 डिजिट का रहता है, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कोड हो गया ये, फिर अंडरस्कोर, फिर ये 12 डिजिट का रोल नंबर। तो इस तरीके से आपको पीडीएफ को रीनेम कर लेना है, तभी सेंड करना है। ठीक, तो इस तरीके से रीनेम कर लेना है, पीडीएफ का नेमिंग इस तरीके से होना चाहिए, और टोटल साइज़ पीडीएफ का कितना होना चाहिए? 20 MB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छात्र के द्वारा A4 साइज़ का पेज उपयोग में लाया जाएगा। तो जो पेज यूज़ करोगे आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए, वो A4 साइज़ का पेज होना चाहिए। तो A4 साइज़ का पेज आप पहले से अरेंज करके रखे रहेंगे, और एक एग्ज़ाम के लिए 40 ब्लैंक A4 साइज़ का पेज चाहिए आपको। ठीक है, तो उतना अरेंजमेंट कर लेना है। एवं प्रश्नों का उत्तर तर्कसंगत, टू द पॉइंट होना चाहिए। प्रथम पृष्ठ का प्रारूप, वही फर्स्ट पेज जो है वो तो आपको कॉलेज के थ्रू दिया जाएगा, और जो फर्स्ट पेज है, फ्रंट पेज का जो फॉर्मेट दिया जाएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा एक, ताकि आप वहाँ से भी ले सको। और हर कॉलेज के जो टीचर होंगे वो अपने स्टूडेंट्स को भी भेजेंगे। तो जो फर्स्ट पेज का फॉर्मेट है, उसको आप पहले से ही जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उसके हिसाब से आप प्रिंट लेके रखे रहेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा भी रख लेना है कि कुछ अगर लिखते समय गलत हो गया तो हम उसको चेंज कर सके। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा लेके रख लेना, पहले से ही प्रिंट आउट लेके आप रख लेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया फ्रंट पेज, और दूसरा पेज तो आपका सेल्फी वाला पेज, और फिर ये A4 साइज़ के 40 पेजेस। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दाहिने तरफ पृष्ठ क्रमांक दर्ज करें, मतलब आपका पेज नंबर हर पेज में नीचे बॉटम राइट में आपको लिखना है, नंबर 1 से लेके नंबर 40 तक होना चाहिए, और स्टार्टिंग के 2 पेज। ठीक, तो 1 से लेके 40 तक वो दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरे पृष्ठ पेज नंबर 2 में छात्र के द्वारा प्रवेश पत्र को लेकर सेल्फी लिया
हुआ फ़ोटो अपलोड किया जाएगा। तो फ्रंट पेज तो वो फॉर्मेट वाला पेज जिसमें स्टूडेंट डिटेल अलोंग विथ सब्जेक्ट जो भी एग्ज़ाम होना है उसका डिटेल रहेगा। दूसरा पेज में जैसे कि बताया कि आपका फेस और फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आपका दिखना चाहिए, ऐसा फ़ोटो कोई ले फिर उसको आप पीडीएफ स्कैनर में स्कैन कर लेंगे, ठीक है। या तो पीडीएफ स्कैनर में डायरेक्ट किसी को बोलना है सामने से ले ले, ठीक है। तो इस तरीके से वो दूसरा पेज हो जाएगा। उत्तर पुस्तिका की अधिकतम संख्या 40 पृष्ठ की होनी चाहिए, 40 पृष्ठ मतलब 40 पेज ही होना चाहिए, ठीक है। उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर शीट। तो पहले तो ये जो दो फॉर्म पेजे हैं वो आंसर शीट में नहीं आएगा, वो फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। तो जो आंसर शीट है वो 1 से लेके 40 होना चाहिए, उससे न कम उससे न ज़्यादा, ठीक है। एवं प्रथम पेज छात्र का विवरण व दूसरा पेज छात्र प्रवेश पत्र के साथ सेल्फी अपलोड करना है। इस प्रकार कुल 42 पृष्ठों का अपलोड करना अनिवार्य है। तो जो पीडीएफ आप भेजेंगे अपने टीचर को, जो इंचार्ज होंगे उनको, उस पीडीएफ में टोटल 42 पेजेस होने चाहिए। पहला पेज वो फॉर्मेट, स्टूडेंट फॉर्मेट, जिसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन है। दूसरा जो पेज होगा उसमें आपका फ़ोटो अलोंग विथ आपका एडमिट कार्ड दिखना चाहिए। और थर्ड से लेके 42 तक आपका आंसर शीट होगा। थर्ड नंबर पे जो पेज दिखेगा उसमें आंसर शीट में नंबरिंग क्या होना चाहिए, 1 दिखना चाहिए, ठीक है। पहले दो पेज में कोई नंबरिंग नहीं है, तो थर्ड में जहाँ से आंसर शीट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे नंबर 1 दिखेगा, और लास्ट जो होगा उसमें नंबर 40 दिखेगा। तो टोटल 42 पेज का ये पीडीएफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पीडीएफ बनेगा उसको अपने टीचर को भेजना है, ठीक है। किसी भी छात्र की उत्तर पुस्तिका 42 पृष्ठों से अधिक या उससे कम होनी होगी तो उत्तर पुस्तिका निरस्त की जा सकती है, और इसकी जिम्मेदारी छात्र की होगी। मतलब ये है कि अगर जो पीडीएफ आप सेंड कर रहे हो उस पीडीएफ में अगर 42 पेज से ज़्यादा का वो पीडीएफ बनता है या फिर 42 से कम का बनता है और वैसा आपने सेंड कर दिया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और इसकी ज़िम्मेदारी स्टूडेंट की खुद की होगी। तो जब भी आप सेंड करें पीडीएफ तो ये ध्यान दे दे कि टोटल 42 पेज का पीडीएफ आपका बन रहा है, ठीक है। ये ध्यान से देखना है। नेक्स्ट, स्कैन करते समय छात्र द्वारा सावधानी बरते कि पूरा पृष्ठ का स्पष्ट इमेज होना चाहिए एवं उसका पीडीएफ पूर्णतः मूल्यांकन योग्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप पेजेस जब लिख लेंगे, आंसर लिखने के बाद जब सबको स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन जब करेंगे तो पेज एकदम एग्जैक्ट स्कैन करना है। ये नहीं कि स्कैन कर रहे हैं तो जिस टेबल पे या बेड पे आप पेज को रख के कर रहे हैं तो बेड का भी आ रहा है या टेबल का भी आ रहा है या कुछ दूसरा एरिया उस स्कैनिंग में आ रहा है, सिर्फ पेज का स्कैनिंग दिखना चाहिए। और स्कैनिंग इतने मतलब इस तरीके से करना है कि जो इमेज बने वो एकदम क्लियर होना चाहिए, विजिबल और रीडेबल होना चाहिए, तभी तो उसको कोई इवेलुएट कर पाएगा। तो इस तरीके से एकदम क्लियर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और स्कैनिंग भी इस तरीके से करना है कि सिर्फ पेज दिखे, जो आपका आंसर शीट का पेज है सिर्फ वही दिखे, उसके अलावा कुछ भी ना दिखे, ठीक है। छात्रों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि अंतिम प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है। अंतिम उत्तर समाप्ति पश्चात शेष पृष्ठों को काटा जाना चाहिए। मतलब सपोज जैसे 40 पेज हैं आपके पास आंसर लिखने के लिए, अब 40 पेज के 40 पेज तो कोई नहीं लिखता, लिख भी सकते हैं 40 पेज, सपोज आपने 30 पेज तक लिखा, तो 30 पेज तक लिखा तो 31 से 40 जो पेज होगा उसको आपको कट करना है, ठीक है। उसके बाद उसको स्कैन करना है, ठीक है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ देना है। तो लास्ट आंसर जहाँ लिखोगे उसके बाद के जो पेजेस होंगे उसको कट अवश्य करना है, मतलब वो कट करना ही है, फिर उसको स्कैन करना है आपको, ठीक है।
दोपहर 2 बजे तक छात्र उत्तर पुस्तिका के स्कैन कॉपी को दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप में अपलोड करें। मतलब कि सपोज 10 बजे से 1 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, 1 बजे से लेके 2 बजे तक आपको ये स्कैन करना, पीडीएफ बनाना, उतने का समय दिया गया है। तो 1 बजे से लेके 2 बजे तक आप स्कैनिंग करेंगे सभी को, 42 पेज का पीडीएफ बनाएंगे, रीनेम करेंगे, साइज़ देखेंगे, और उसके बाद आप जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू, जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कॉलेज के थ्रू, उसके थ्रू भेजेंगे। तो 2 बजे तक ये भेज देना है कॉलेज को, ठीक है? पीडीएफ अगर 2 बजे के बाद भेजोगे तो 2 बजे के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि 1 से 2 बजे तक ये सारा काम हो जाए और आप उसको सेंड कर दो, ठीक है? नेक्स्ट ये है, परीक्षा के दौरान छात्रों को एक दूसरे या अन्य के साथ संपर्क करना निषेध है। तो जब एग्ज़ाम होगा आपका 10 से 1, इसके बीच में स्टूडेंट्स एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। यदि निगरानी करते समय ऐसी गतिविधियां पाई गई तो उसके नकल प्रकरण के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अगर जैसे टीचर्स अपने अपने तरीके से वो ऑब्जर्व करते रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा पाया गया कि कोई स्टूडेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उनका कॉपी केस बनेगा, यूएफएम केस बनेगा और आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अलग अलग 2 छात्रों के उत्तर पुस्तिका में एक रूपता पाए जाने की स्थिति में दोनों छात्रों के उत्तर नकल प्रकरण की कार्रवाई की जाएगी। सपोज सभी स्टूडेंट ने भेज दिया पीडीएफ, अब उसके बाद जो टीचर्स हैं वो सभी पीडीएफ को चेक करेंगे, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी जाएगी। तो जब चेक किया जाएगा, अगर देखा गया है कि 2 स्टूडेंट का कॉपी सेम दिख रहा है, तो फिर अगर एकदम सेम दिख रहा है तो उन दोनों कॉपी को यूएफएम केस बनाया जाएगा और दोनों के जो स्टूडेंट हैं दोनों के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? वो आप फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी अगर कॉमन पाए जाते हैं तो वो कैंसिल किया जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप फेल हो सकते हो। तो ये ध्यान देना है कि कॉपी केस नहीं किए, ना करें आप। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये CSVTU जो है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई, उनके थ्रू ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अभी जो आप लोगों का फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ये उसके लिए है। तो ये सब का ध्यान देना है। कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि PDF 42 पेज का होना चाहिए, आंसर शीट 40 पेज का होगा, 2 फ्रंट पेज होंगे, एक फ्रंट पेज होगा, एक आपका सेल्फी वाला पेज, और 40 पेज का आंसर शीट। टोटल 42 पेज का PDF बनना चाहिए। नंबरिंग 1 से लेके 40 तक दिखना चाहिए, वो भी नीचे के राइट साइड में दिखेगा वो। उसके बाद जो PDF बनेगा 42 पेज का, वो 20 MB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम है तो ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा ना हो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जो आप स्कैनिंग करो तो जो ज़्यादा मेगापिक्सल वाले जो कैमरा आजकल हैं जो, उनसे ना लो आप, नहीं तो, या फिर हाई मेगापिक्सल के कैमरा वाले से लेने से वो ज़्यादा MB का बन जाता है। तो ये है, और ज़्यादा MB का अगर बन गया तो आप ऑनलाइन PDF कंप्रेसर आता है तो वो ऑनलाइन PDF कंप्रेसर से कंप्रेस भी कर सकते हो। 20 MB से कम हो तभी आपको भेजना है, 2 बजे तक भेज देना है, ये भी ध्यान देना है। कॉपी केस नहीं होना चाहिए, कॉपी केस हुआ तो वो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आगे कुछ भी डाउट अगर रहा तो पूछ सकते हैं। तो फिर थैंक यू वेरी मच।